अभी ये कोरोना में लोगों की बाध्यता हो गई है बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं समझता हूँ कि मन की मंत्रण की बात है कि हम कैसे अपने भाव को कैसे ले। तरह तरह के जोक्स आ रहे हैं कि समय पार नहीं हो रहा है, समय व्यतीत नहीं हो रहा है, किस प्रकार से समय पार हो रहा है, बहुत मुश्किल से 24 घंटा निकालना। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये विशेष अवसर कभी न छोड़े और ये नवरात्र से प्रारंभ करे, अभी तो बाकी दिन बाकी है, ये नवरात्र वो शक्ति को अर्पित करे, ज्यादा से ज्यादा समय इसी में व्यतीत करे और ये भगवान को एक धन्यवाद दे कि भगवान आपने ये कोरोना के बहाने ये आपने मुझे अवसर दिया। यानी दिव्यानंद जी महाराज, जो जो समय समय खाली बच रहा है, लोग ये कहते, आप देखिए सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे करने का बहुत अच्छा सीखने का अवसर है, इस समय अपने आप को साध ले और अनाहत चक्र में पहुंचने के बाद व्यक्ति बड़े काम आसान हो जाता है। माँ स्वयं आपको एक अवसर दी है कि कितना एकाकी जीवन अंतर्मुखी होकर अपने आप के साथ रहकर, आप संसारिक तो संसारिक सारे कार्य करेंगे किंतु अंतर्मुखी होकर ज्यादा से ज्यादा मानस पटल पे माँ की प्रतिमा को अवस्थित करें, माँ की मूर्ति को अपने हृदय स्थल पे रखें और मन ही मन जैसा मैंने बताया था ओम तुम दुर्गाय नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, बस इस मंत्र को सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंदर वो हमेशा गुंजायमान होता रहे और माँ माता मय का एक वातावरण बना रहे और साथ ही साथ विश्व की कामना भी करते रहे, विश्व शांति की कामना करते रहे। आप देखेंगे नवरात्र के अंदर ये दशमी महादशमी के बाद में आप एक नई उपलब्धि हुई, हो सकता है दूसरे लोग आपको चेहरा देखकर आपकी वाणी सुनकर आपको इस परिवर्तन को उन्हें भी आभास हो जाएगा। और बल्कि मेरा निवेदन यह भी होगा इसके अंत में, इस विषय के अंत में, कि इस बात को बाहर भी आप इस नवरात्र के बाहर भी प्रसारित करें, अभ्यास को बनाए रहें। जीवन में ये कोरोना आपको बहुत बड़ा बिल्कुल दिव्यानंद जी महाराज, जो सवाल मेरा हर बार होता है क्योंकि